है माय नेम इज़ बिलाल और आज मैं बात करूंगा 50mm लेंस के ऊपर। तो भाई ये जो लेंस है ये मैंने बाय किया था सेकंड हैंड और काफ़ी बेहतरीन लेंस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों बाय किया, मेरे लिए क्या ज़रूरत थी और क्या आप इससे व्लॉग कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं लेकिन इसमें मैं कुछ अलग ही आपको बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस लेंस की सबसे बड़ी खासियत ये है, एक तो ये सस्ता है और दूसरा इसका जो अपर्चर है वो 1.4 हाईएस्ट अपर्चर है, यानी जिसकी ओपनिंग है वो बेस्ट है। उतना लेंस में लाइट जाएगी उतना आपको बुके इफेक्ट और आपके जो क्रिस्प एंड क्लियर सब्जेक्ट आपको नज़र आएगा फ़ोटोज़ भी। इसको पोर्ट्रेट लेंस वैसे कहते हैं, पोर्ट्रेट लेंस फ़ोटोज़ के लिए होती है, फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं इनसे। अच्छा बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह ब्लर हो जाता है और पीछे से जो आपकी नॉइसेस वगैरह वो नहीं आती और लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जितने भी फोटोग्राफर हैं उन सारों के बैग में ये लेंस लाजमी होता है क्योंकि एक छोटा सा टाइनी लेंस है और काफ़ी यूज़फुल है, बेहतरीन लेंस है, सस्ता भी और काम भी आपका काफ़ी आता है। उसके बाद कहते हैं कि आप इसके साथ व्लॉग कर सकते हैं, तो यहाँ पर लाइट कम हो रही है तो मैं आपको बाहर जा कर बताता हूँ कि व्लॉग होता है ये नहीं। तो भाई बाहर आके मैं आपको बताता हूँ कि ये लेंस व्लॉगर के लिए है या नहीं। ये लेंस व्लॉगर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कहीं ट्राइपॉड पर स्टिल रख के आपने फ़ोटोज़ खींचे हैं या किसी का इंटरव्यू लेना है या आपने सिनेमैटिक्स लेना है या आपने कुछ करना है तो ये बहुत ही ना शेकी है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा कैनन के साथ किट लेंस जो आता है 18-55, इसका 4 अपर्चर है। दूसरा अगर मैं बात कर लूँ 50mm की तो 50mm लो लाइट में बड़ी अच्छे सिनेमैटिक्स आपको देता है, बैकग्राउंड ब्लर भी बड़ा इजीली कर लेता है और हाँ इट्स वेरी जूम्ड और क्रॉप्ड। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत जूम्ड और क्रॉप होता है। जैसे अभी ये मेरा लेंस है 18-55, इस पर आप देखें ये मैंने जूम किया हुआ है, आप काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, मेरे पीछे कपड़े भी आ रहे होंगे। तो अगर मैं वैसे ये मेरा शॉट है, मैं ऐसे शॉट लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा ना मूड आया हो, तो इसके ऊपर अब मैं लगाता हूँ 50mm। तो भाई मैं ना लेंस लेने गया था, लेंस मैं ले आया हूँ, अब ये लगाता हूँ, दिखाता हूँ आपको और चेक करिएगा आप इसका रिज़ल्ट। मुझे तो ऑलरेडी मुझे जूम पसंद है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ही क्रॉप जूम हो जाता है। मैं करीबन अपने कैमरा से ना दो फीट की दूरी पर हूँ, तो अब ये लगा के चेक करते हैं। तो भाई ये लेंस है 50mm, देख रहे होंगे काफ़ी जूम है, इसको मैंने जूम भी नहीं किया हुआ लेकिन ये काफ़ी जूम है। लेकिन अगर मैं इसको उठा के ब्लॉक करता हूँ तो पीछे बैकग्राउंड ब्लर तो बहुत अच्छा है लेकिन कुछ मसले हैं इसमें कि ये बहुत ज़्यादा जूम्ड है और आप बहुत ज़्यादा ना शेकी है, आप इससे कर नहीं सकते, व्लॉग नहीं कर सकते, तो इट्स नॉट फॉर अ व्लॉगर चॉइस। तो अभी कुछ इसकी तस्वीरें दिखाता हूँ आपको जो मैंने लेता हूँ इससे पोर्ट्रेट की, मेरे पास एक कैट भी है तो उसके लेते हैं। मैंने बिल्ली की पिक्चर्स तो आपको दिखाई हैं तो अब इसकी वीडियो कैसे आती है और फोकस ये कैसे करता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो मसले हैं वो तो कभी ख़त्म नहीं होते, तो अगर आप कोई 1.4 या 1.8 अपर्चर लेते हैं तो उसके लेंसेज काफ़ी महंगे हैं। सोनी के साथ सिग्मा के लेंसेज आते हैं, वो काफ़ी महंगे हैं, 60,000 प्लस हैं पाकिस्तान में। तो दिस इज़ ओके, अगर आप थोड़ा क्रिएटिव अगर हों तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इस लेंस से भी कुछ कर सकते हैं, फिर 50mm में भी आप कुछ कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, अगर आप जो भी हैं, आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास ये लेंस होना लाजमी है क्योंकि इट्स अ टाइनी और बेस्ट लेंस। और ये तकरीबन सारे व्लॉगर्स, फोटोग्राफर्स और जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनके बैग में ये लाजमी लेंस होता है। दिस लेंस इज़ फिनोमिनल। मैंने इसको बाय किया था OLX से, 14,000 का उस वक्त नया था तो मैंने 12,000 का लिया था और आज की डेट में 2020 की डेट में जब ये वीडियो अपलोड हो रही है आज की डेट में तो ये हो गया है तकरीबन 18,000 रुपये के लिए, लेकिन फिर भी उन लेंसेज से काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, वाइड अपर्चर मिलता है और पोर्ट्रेट्स तो ये कमाल के बनाता है।